नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैंडिड स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एंजल वन या फिर जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके इजीली आप अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में मेन फोकस इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आप बने रह सकते हो मार्केट के साथ, ठीक है। और मार्केट में अगर बने रहना है तो आपको अगर डेली ट्रेडिंग का डे ट्रेडिंग का एक चस्का तो जरूर रहेगा, ये शौक आपके पास जरूर रहेगा। तो ये शौक को अगर आप सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये जो टेक्निक्स हमें बताया गया है, ये जो स्ट्रेटेजीज हमें बताई गई है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज, इसको जरूर अपनाएं तो ये आपका बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन में, ठीक है। स्क्रीन में पहले हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए ये हम नहीं देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में देखें, निफ्टी एक ही रेंज पे घूम रहा है, ठीक है, ये रेंज में घूम रहा है, और जब तक ये यहाँ से ये ब्रेक नहीं देगा, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा लंबे समय पे बोले 37,400 के नीचे अगर अच्छे से ब्रेक ना दे, मतलब अच्छे से ब्रेक ना दे, और ऊपर ऊपर अगर यहाँ से 38,000 के ऊपर अगर अच्छे से ब्रेक ना दे तो हम इसे अच्छा नहीं मानेंगे, ठीक है। और अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है, जैसे मैं हमेशा स्कैल्पिंग मेथड को प्रेफर करता हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। चाहे मार्केट ऊपर जाए, रेंज बाउंड जाए, कुछ भी हो जाए, आप पैसे दबा के कमा सकते हो, ठीक है। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इनकैश ईच एंड एवरी मोमेंट, ओके। सो लेट्स सी वेयर मार्केट ओपन टूडे। आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। देखिए, आज मैंने तीन ट्रेड लिए और तीनों ही ट्रेड बहुत ही सुपर रहा। तीनों ट्रेड में देखिए, सबसे मार्केट जैसे खुला, आप लोग फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बना, 5 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बना, एक जबरदस्त डाउनफॉल आया, ठीक है। और जैसे ही डाउनफॉल आया मैं तो खुश हो गया दोस्तों, इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। जैसे मार्केट डाउनफॉल आया मैं यहाँ पे देखा, उसका सेकेंड कैंडल जैसे ही बना ग्रीन कैंडल और यहाँ से थर्ड कैंडल ब्रेक दिया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बाय पोजिशन ले ली, ये छोटा सा, कौन सा, 37,600 का, ठीक है, 37,600 का कॉल ले लिया यहाँ पे, आराम से इसको इनकैश आउट कर दिया, यहाँ पे ले लिया। और फिर मैं अपने काम पे चला गया, अपने ड्यूटी की ड्यूटी करने के बाद फिर मैंने लंच टाइम में दो ट्रेड लिए, एक लंच टाइम के शुरुआत में ही एक कॉल पोजीशन ली, ये हो गया, यहाँ पे एक ले ली। और सेकेंड जब देखा कि फिर मैंने देखा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक यहाँ पे चैनल बन रहा है, ठीक है, एक छोटा सा चैनल बन रहा है यहाँ पे, देखिए चैनल को बना लिया। अब चैनल बनने के बाद क्या हुआ, इसमें एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप का भी मैं अगर इसमें ढूंढूं तो मिल गया। तो जब ये नीचे की तरफ ब्रेक ना देके ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे करके घूमा तो देखा इसमें ज्यादा दम तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक यहाँ पे कॉल पोजीशन लिया था जो मेरा गलत साबित हुआ। ज्यादा नहीं, यहाँ पे 300-400 रुपए मेरा जस्ट खाली बन रहा था, तो मैंने इसको तुरंत स्क्वायर ऑफ किया, ज्यादा नहीं 450 रुपए का मेरा लॉस हो गया था बाद में, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने फिर क्या किया, एक जैसे देखा कि ना इसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ है नहीं, ये नीचे की तरफ जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक इसको स्टॉप लॉस मानते हुए, इस पोजिशन को स्टॉप लॉस मानते हुए यहाँ पे मैंने एक पी ले ली 37,500 की, और क्वांटिटी ले ली 3 लॉट का, ठीक है, और इसको छोड़ा और जबरदस्त गेन। तो मार्केट आज बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी मैं यही कहता हूं कि अगर आप स्कैल्पिंग मेथड इस्तेमाल करते हो यू विल बी प्रॉफिटेबल, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि देखिए कभी कभी गलत साबित हम हो सकते हैं। तो जैसे ही आपको फर्स्ट कैंडल, आपको मान लीजिए यहाँ पे आपने एक पी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे पी ले लिया, तो पी आपका यहाँ से कैंडल बन रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऐसे करके होता है ना, वो ऊपर नीचे होते रहता है, फिर जाके आपका सेकेंड कैंडल जैसे ही आपका गलत शो हो गया, जहां डाउन होना चाहिए वहां अप हो गया, वहां पे एग्जिट हो जाइए, ठीक है, एग्जिट हो जाइए, वेट नहीं करना है कि फिर ये नीचे आएगा, ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एग्जिट हो जाना है, जरूरत पड़े दोबारा एंट्री करेंगे सही मौके पे, राइट। दिस विल बी आवर स्ट्रेटेजी इन बैंक निफ्टी, ओके। सो वी विल गो इन आईटीसी, ओके। आईटीसी मैंने ट्रेड दिया था, आईटीसी में कैसा रहा ट्रेड देखिए, आईटीसी में ट्रेड दिया था बाय एट रेट 270 पे इसने पोजीशन बनाई तो थी ठीक ठाक, ठीक है, फर्स्ट 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 टाइम में तो 270 के उधर जाके यहाँ पे तो उधर जाके यहाँ पे उसने कुछ खास बनाया नहीं, 270 के फर्स्ट टाइम जाके तो कुछ बनाया नहीं, फिर जाके इसने स्टॉप लॉस हिट करा दिया होगा, सेकंड टाइम फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके मतलब अपसाइड मूवमेंट तो दिया, लेकिन 273 पॉइंट
15 तक ही बना है, 274 तक इसने हाई नहीं बना पाया, तो इसको हम मान लेंगे कि ये स्टॉक आज के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ स्टॉप लॉस हेड वाइज में, ठीक है। अगर ये मान के चले तो आज इसमें स्टॉप लॉस हेड हुआ, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ऐसा होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे ग्रासिम में। इन ग्रासिम हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ग्रासिम में ग्रासिम तो आज अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए ग्रासिम में दिया गया था 1792, 1792 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा आप इजीली इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो, तो ट्रेड करके 1810 का टारगेट था, ठीक है, 1810 का टारगेट था, मीन्स 18 पॉइंट्स का टारगेट था इसमें, तो 18 पॉइंट का टारगेट था और 18 पॉइंट से बढ़ के इसने 1829, 1830 मीन्स यहाँ तक का 28 पॉइंट्स का टारगेट इसने दे दिया, कोई बात नहीं, इसमें तो बहुत अच्छा गया। तो आईटीसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ और ग्रासिम में इसने टारगेट अच्छे अचीव कर लिए, ठीक है, तो ग्रासिम अच्छा रहा। तो चलते हैं दोस्तों, ऐसा होता है मार्केट में, नुकसान और फायदा दोनों होते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप मार्केट में ना, आपको ये समझ के आना है कि दिस इज योर शॉप, दिस इज योर बिजनेस एंड यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम हियर, ओके। आप एक दुकान खोल के रखे हो, आप अपने हिसाब से अपने टाइम से आइए, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे एट 2 PM हो, चाहे 11 AM हो, एनी टाइम यू कैन कम एंड ओपन योर शॉप, मीन्स ओपन योर लैपटॉप पीसी टर्मिनल, ओके, एंड डू योर ट्रेड। जहां मौका मिले यू हैव टू ग्रैब इट, यू हैव टू अर्न मनी 500, 1000, 4000, 10000 एज पर योर एक्सपीरियंस, यू कैन अर्न मनी ऑन इन एनी क्रिटिकल सिचुएशन। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पे मिनिमम फीस टू मार्केट, 500 रुपीज पर लॉट आप मार्केट को दे दो, अगर आपका कोई क्रिटिकल सिचुएशन ऐसा है तो दे दो, ठीक है, इसमें सोचने का नहीं है। तो ये सोच के आपको मार्केट में रहना है, ओके। देन चलिए, हॉल टुमारोज इंट्राडे स्टॉक विल बी हेल, ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसमें एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है, और डिफेंस स्टॉक तो ऐसे भी अभी नजर में है, ओके। सो टुमारो हम इसमें क्या देखेंगे, साधारण से एनालिसिस है, कल मार्केट खुलते ही ये ऐसा हो सकता है कि ये साइडवेज ही चला जाए, ठीक है, साइडवेज ही चला जाए, ऐसे साइडवेज, ये ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। कल जो ये यहाँ पे 1695 है, हियर व्हाट यू टू सी, इफ इट गिव्स क्लियर ब्रेक अबव 1695 देन ओनली यू हैव टू टेक एंट्री, अदरवाइज नो, यू हैव टू जस्ट वॉच आउट, ओके, यू हैव टू जस्ट वॉच आउट कि फर्स्ट कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये यहां से जस्ट एक साइडवेज ही मूवमेंट धीरे 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 देता रहेगा, तो इस सिचुएशन में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, कोई तुक्का नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको देखते रहिए ये कहाँ भागेगा, जहां भागा ये आइदर डाउनसाइड ब्रेक दिया देन यू हैव टू टेक शॉर्ट सेल कॉल, एंड अपसाइड ब्रेक दिया तो यहाँ पे बाई कॉल, ओके। सेकेंड कंडीशन, मार्केट खुलते ही ये अपसाइड में मूवमेंट दिया, अपसाइड में मूवमेंट दिया तो कोई बात नहीं, आपको देखने की सस्टेन कहाँ कर रहा है और वहां से जाके इजीली पकड़ के चलो। और अगर मार्केट खुलते डाउन साइड में क्या हो सकता है कि एक छोटा सा यहाँ पे डाउनफॉल दे, फिर जाके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भागे, जब तक क्लियर ब्रेक ना दे आपको एंट्री नहीं लेना है, समझ गए आप, ऐसे आपको ट्रेड लेना है और मार्केट को एंजॉय करना है, राइट। सो बी विद दिस चैनल, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहा, और मैं जो आप लोगों को स्कैल्पिंग का मेथड बताया था क्या वो आप उसे फॉलो कर रहे हो, अगर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग कमाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक प्लीज समरी बनाइए, अगर आपको सही में बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करें, एक एक्सेल शीट जरूर बनाएं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक बार दिखाया था कि एक्सेल शीट में क्या क्या होता है, एक्सेल शीट में आप अपना एंट्री करते रहिए, अगर आपका कोई गलती हुआ है तो देखिएगा कि आपके जितनी भी सारे लॉसेस हुए हैं उसका रीजन क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या खामी है, तो उस खामी को आप फुलफिल कीजिए और आगे बढ़िए, तो ये आपका एक सेल्फ रूटीन चेकअप रहेगा विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ गुड ट्रेडर। सो थैंक यू, व्यू दिस चैनल, बाय।